हरियाणा सरकार रोडवेज के बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत प्राइवेट बस लाने जा रही है। रोडवेज के निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही गोहाना में प्राइवेट बस चालकों की मनमानी का मामला सामने आया है। प्राइवेट बस चालक अपनी बसों के लंबे रूट के साइन बोर्ड लगाकर सवारियों के साथ साथ सरकार और रोडवेज विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं। बस चालकों को लोकल रूट के परमिट दिए गए हैं, इसके बावजूद गोहाना में प्राइवेट बस चालक अपनी बसों पर लंबे रूट के साइन बोर्ड लगाकर सवारी को बैठा लेते हैं। जैसे कि प्राइवेट बस को रोहतक से गोहाना और गोहाना से पानीपत के लिए अलग अलग दो बसों को परमिट कर दिया गया है, लेकिन रोहतक से चलने वाला बस चालक अपनी बस के सामने गोहाना पानीपत करनाल तक के साइन बोर्ड लगाकर बसों में लंबे रूट की सवारी को बैठा लेते हैं। उसके बाद भी बस स्टैंड पर जब तक दूसरी उनकी प्राइवेट बस पानीपत से गोहाना नहीं आ जाती, तब तक वो अपनी बस को बस स्टैंड पर ही खड़ा रखते हैं, जिसके चलते सवारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सवारियों को काफी देर तक बस में इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड पे कितनी देर से बिठा रखा था? 10-15 मिनट से बैठे हैं। कहाँ जाना था अभी? अभी बस चली गई पानीपत की। अब बस खाली करा दिए? कितनी देर से बैठा रही है? कितनी देर से बैठे थे आप यहाँ? तकरीबन 15-20 मिनट। तो अभी बस को खाली करा दिया? उतार दिया है? कट्टे में नहीं है, टाइम तो नहीं था, बाकी इन्होंने भी नहीं कहा, अपने मुंह से कि बैठ जाओ। कितनी देर से बैठे हो? 15-20 मिनट। कहाँ जाना था आपको? इस बारे में जब गोहाना बस स्टैंड इंचार्ज गुलाब सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई बार बस चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले में कई बार कार्रवाई भी की है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी रोडवेज विभाग में बसों की कमी की है, जिसके चलते प्राइवेट बस चालक अपनी मनमानी करते हैं। ये जो प्राइवेट बस चालक है, ये गाड़ियों को यही छोड़ देते हैं, लंबे रूट की वो चलाते हैं, कई बार इनके पास परमिट कम होते हैं। ऐसा ज्यादा हो रहा है, जो गोहाना से रोहतक का परमिट है ना, वो रोहतक से पानीपत की सवारी लाते हैं और 70 रुपए की टिकट बना देते हैं उनके, लेकिन उतार देते हैं यहाँ गोहाना ही। फिर इसके आपस में मिली भगत है, दोनों प्राइवेट जिसका परमिट है पानीपत का गोहाना तक, और ये अवैध तरीके से मतलब अपने गाड़ी को पीछे लगोगा, आज भी गाड़ी मैंने पकड़ी है और सवारी उतरवाई उसकी, और जो पानीपत का गोहाना परमिट से वो पानीपत से रोहतक की सवारी बढ़ाते हैं, टिकट वहाँ रोहतक की बढ़ाते हैं, लेकिन बाहर गेट पर दूसरी गाड़ी को या अंदर दे देते हैं। हम इस पर पूरा मतलब ध्यान दे रहे हैं, जो गाड़ी मतलब आगे हमने मिलेगी उसको इम्पोर्ट भी करा जाएगा और वहाँ पर बंदे के पास इसकी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी। क्या जिस तरह पानीपत का परमिट होता है आगे करनाल तक की बढ़ा? नहीं, कोई परमिट नहीं है करनाल का, लेकिन कई बार देखते हैं करनाल का बोर्ड लगा लेते हैं करनाल क्षेत्र का, लेकिन परमिट इनका पानीपत तक का होता है। साफ जाहिर है कि प्राइवेट बस चालक की इस मनमानी के पीछे कहीं न कहीं विभाग और सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, जो अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, और यही वजह है कि रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विभाग और सरकार की बंद आंखों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या कर्मचारियों के इस विरोध का कोई असर देखने को मिलेगा या फिर कर्मचारी यूं ही सड़कों पर अपना गुस्सा निकालते रहेंगे। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।